नमस्कार, आज देखिए मेरे साथ पीतमपुरा दिल्ली हाट का हुनर हाट। इसमें बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है, कम से कम होममेड आइटम्स की यहाँ भरमार। बहुत सारे आइटम्स को हमने देखा चलते हैं, जैसे अचार बनाने वाले लोग किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो देख। नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा में लगा हुआ है दिल्ली हाट का ये तीज मेला। तीज महोत्सव सावन महीने में मनाया गया। महिलाएं झूला झूलती नजर आईं और तमाम बहुत सारे कुछ उनके मनोरंजन प्रसाधन साधन की व्यवस्थाएं हैं, हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसके पहले इस अचार की बात करें। क्या नाम आपका? सुधापुरी। ये अचार आप लोग अपने से बनाते हैं? मैं खुद बनाती हूँ, इसमें कोई केमिकल नहीं, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो प्रिजर्वेटिव। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, जो प्रोडक्ट आप बाहर से मंगाते हैं वो ऑर्गेनिक हो, सिर्फ आप अपनी बात करते हैं। आप टेस्ट करने से लोगों को पता लगता है ना। जी जी। आप देखिए 24 कैरेट गोल्ड और 8 कैरेट गोल्ड में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जो टेस्ट करेगा, जो खाने वाला है, उसको अपने आप पता लगता है, हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली हाट में आपको अपनी स्टॉल लगाने का मौका मिला है इस तीज महोत्सव में, कैसा लग रहा है? अच्छा। यहाँ कैसे लोग आते हैं इस प्रोग्राम में? मैं काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, मैंगो फेस्टिवल में ज़्यादा लोग आए, इस बार बारिश या पता नहीं व्हाटएवर ये कोरोना है, पब्लिक कम। 29 तारीख से लेके 31 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में आकर्षण रहा महिलाओं के प्रसाधन से संबंधित। मेले में घूमते हुए हमें मिले पांडे जी, जो कि गंजेपन को दूर करते हैं, जानते हैं कैसे। देखिए सर, ये वाला जो तेल है, ये ग्रीन कलर की जो बॉटल है जी, ये हमारी कंपनी की गारंटी है कि एक बॉटल के अंदर 2 गंजे सिरों पर बाल आने शुरू हो जाएंगे जी। उसके लिए हमारी कंपनी की शर्त ये है कि आपको कम से कम 1 महीने में 10 बार बालों का रेजर करवाना जरूरी है। जब तक बालों की ब्लॉकेज नहीं हटेगी, नसों के अंदर तेल नहीं पहुंचेगा, नेचुरल तरीके से बाल बाहर आएंगे नहीं। अगर महिलाएं हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो तो रेजर नहीं करवा सकती, शेविंग नहीं करवाएंगी बालों की, तो वो महिलाएं अगर इस पूरी बॉटल को इस्तेमाल करती हैं, जहां पर उनके बालों में झड़ने की वजह से गैप हो चुका है, वहां पर भी बाल आने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ना रुकेंगे। एक कंपनी एक बॉटल इस्तेमाल करने के बाद उनका पूरा रिजल्ट नज़र आ जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और किसी भी शैम्पू से आप उसको अपने बालों को वॉश करें, लेकिन कम से कम एक बॉटल इस्तेमाल करने के बाद आपको उसका रिजल्ट समझ आ जाएगा। हमारी तो कंपनी ये कह रही है सर कि 5 बार आप इस्तेमाल करेंगे, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूरी समस्या के लिए कम से कम आपको एक बॉटल पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर ये है कि यहाँ हम लोग 50% डिस्काउंट पर दे रहे हैं, खादे के आपको आउटलेट्स पर ये वहाँ पर MRP पे मिलेगा। डेकोरेशन के लिए ये मार्केट बेमिसाल है। इन जगहों पे बहुत सारी चीजें जो आपके घर के कोने को सुंदर बनाती हैं, आइए देखते हैं। ये क्या है? ये रेजिन प्लैटर है, इसको आप एज अ ट्रे भी यूज कर सकते हैं, डेकोर में भी यूज कर सकते हैं, प्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये फेस्टिवल सीजन है तो राखी पे आज या प्लैटर इसमें यूज कर सकते हैं, राखी डिस्प्ले कर सकते हैं, स्वीट्स इसके साथ रख सकते हैं, और आप अपने सेंटर टेबल पे इसको अरेंज कर सकते हैं, साथ में आपने कैंडल्स रख दिए, फायर अरेंजमेंट कर दिया, तो एज अ प्लेसमेंट भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या नाम आपका? मैं तजिंदर कोहली हूँ, अलग मेरा इंस्टा ब्रांड है, और 3 साल से मैं हैंडमेड क्राफ्ट आइटम्स का काम कर रही हूँ, खुद से ही बना रही हूँ। ये खूबसूरत बाजार जिसे आप महोत्सव के साथ देख पा रहे हैं, ये दिल्ली में 3 है, INA, जनकपुरी और पीतमपुरा। INA दिल्ली हाट एक खूबसूरत और नायाब बाजार कैसे है वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, वीडियो आई बटन में है, वहाँ देखें। और बहुत कुछ होम डेकोरेशन से जुड़ी यहाँ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे वो बागवानी हो या फिर और।
साथियों, इसी मेले में हमारी भेंट प्रवीण मिश्रा और उनके साथियों से हुई। अर्पण नाम के संस्था के माध्यम से वो अर्बन फार्मिंग की बात करते हैं। किचन के कचरे को कंट्रोल करके वहाँ किचन गार्डन बनाने की कवायद में जुड़े हैं लोग। वैसे भी उनकी कई वीडियोस अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, घर की बगिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। मेले के आयोजन को लेके दिल्ली हाट पीतमपुरा के मैनेजर विक्रमपुरी हमारी मीडिया को बताते हैं। दिल्ली हाट पीतमपुरा में तेज मेला का जो ये आयोजन है, ये 3 दिनों के लिए किया है हम लोगों ने, 29, 30, 31 जुलाई। मुख्य आकर्षण जो इस मेले का है वो जो 30 के जो झूले होते हैं वो हमारे इस मेले का मुख्य आकर्षण है। और जो हमारी लेडीज विजिटर्स हैं जो आ रहे हैं इस मेले में, वो झूले का बहुत आनंद ले रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं जो कि तीज के त्यौहार के साथ जुड़े हुए खाने पीने के स्टॉल्स हैं। और बाकी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के स्टॉल्स हैं जो कि विजिटर्स अपनी शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। कोरोना के बाद ये पहला बड़ा उत्सव हम मना रहे हैं दिल्ली हाट पीतमपुरा में। और जैसी पब्लिक आ रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाले और भी जो हमारे आयोजन रहेंगे उसमें पब्लिक इसी तरीके से आएगी और कोरोना काल से अब पब्लिक बाहर आ रही है।